हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स पर। तो गाइस आज जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मैं न्यूज़ लेके आया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन विच आई एम अबाउट टू शेयर। तो गाइस न्यूज़ जो है वो एसएससी सीजीएल 2018 से रिलेटेड है और काफ़ी दिनों से बवाल मचा हुआ था कि टाइम पे होगा 18, टाइम पे नहीं होगा 18। और मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा था कि एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा, सब कुछ फाइनलाइज है। 2017 का एग्ज़ाम एसएससी की तरफ से कंप्लीट है, अगर कोर्ट उनको अलाउ करेगी तो वहाँ पे जाके वो अपना रिजल्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं। उनकी तरफ से काम कंप्लीट है, उनकी तरफ से कोई भी एग्ज़ाम 17 का पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो वो एक जो है एक अलग सिचुएशन होगी, वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी। तो उस केस में सीन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के वर्डिक्ट में वो अपना टाइम दे सकता है कि ऐसे एग्जाम लो, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम लेगी, इतने टाइम पीरियड में कराओ। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू एसएससी द एग्जाम हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव भी आपका हो चुका है, फाइनली जो है उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं, तो एग्जाम उनकी तरफ से कंप्लीट है। तो वो जो है 18 वाले एग्जाम को डिले नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, स्टार्टिंग से मैं आपसे कह रहा था और उसी के जो आगे जो है प्रोसेस आगे जो है आगे आया है, आगे बढ़ा है प्रोसेस। और उसमें अब जो है जो साउथ रीजन है एसएससी का, उसने एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। जो लोग भी साउथ से हैं वो जाके वहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं सीजीएल का, और बाकी जो आपके रीजन्स हैं उनका भी स्टेटस रिपोर्ट जो है एक या दो दिन में कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है। और आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी कि मतलब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कोई कह रहा है मैंने कॉल कर लिया, ये कह रहा है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है कोलकाता रीजन में कॉल भी किया था और उनको जो है ये कहा गया था कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। और मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूँ बी प्रिपेयर्ड, एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा। एसएससी की तरफ से कोई भी कमी इस वक्त नहीं है, ऑल दो आप 100 कमियाँ बोल सकते हो लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। एसएससी अपना एग्ज़ाम ले सकती है, एसएससी अपना एग्ज़ाम लेगी। साउथ रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं, बाकी रीजन्स के भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, तैयारी अच्छे से करते रहो, एग्जाम 4 जून से ही होगा। और अभी जो सिर्फ एक पॉइंट अटका हुआ है वो ये है कि 6 तारीख को जो है कुछ लोग ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग जो है एक स्टे की एप्लीकेशन फाइल करेंगे एसएससी 18 के ऊपर, ठीक है। तो अगर उनकी एप्लीकेशन स्टेटस जो है जो उनकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, कोर्ट उस पर हियरिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज जिसका चांस बहुत कम है, ठीक है, कोर्ट ऐसे परीक्षा भी स्टार्ट भी नहीं हुई तो उसको रोक ले, बहुत कम है, ठीक है, कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम आपका टाइम पे होगा, 4 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 4 जून से लेकर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, ओके। जो 17 वाले स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा होप्स हैं 17 से, उनके लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, दोनों ही पार्टीज़ के लिए, कैंसिलेशन एंटी कैंसिलेशन। बैड न्यूज़ ये है कि 6 तारीख को भी केस आपका लिस्ट नहीं हुआ है, और अब अगेन केस लिस्ट हो जाए आपका 13 तारीख से पहले, इसके चांसेस बहुत कम हैं। और 13 के बाद आपकी जो है समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो जून के बाद ही इसके ऊपर कुछ हियरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो 17 वाला केस तो अब समर वैकेशन के बाद ही शुरू होगा, उससे पहले बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एक हियरिंग मिल जाए और आपको जो है वहाँ पे कुछ हो जाए, ठीक है। तो अभी 17 वाला जो केस है, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो 18 का फॉर्म भरा है जिन लोगों ने, तैयारी करो अपनी अच्छे से, अभी 18 का एग्जाम दो, ठीक है। जो हो चुका है उसके ऊपर अब रोने का फायदा नहीं है, उसमें भी देखते रहो क्या होता है, जो भी होगा, और अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक करो एंड बी प्रिपेयर्ड और अच्छे से तैयारी करो। आपके पास एग्जैक्टली 1 महीना है, 1 महीने में जितना हो सकता है उतनी तैयारी करो एंड अपने 100% कैलिबर के साथ अपना एग्जाम दो, ओके। और आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पर उसका मैं जवाब दे दूंगा गाइस, ओके। तो 17 वालों के लिए बैड न्यूज़ है कि अभी जो है आपका केस है उसकी हियरिंग 6 तारीख को नहीं हो पाएगी, समर वैकेशन के बाद ही शायद उसकी अब हियरिंग हो, उससे पहले कोई आपकी डेट पड़ जाए दैट इज़ मतलब बहुत ही कम चांसेस है ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 18 वालों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जो लोग भी 18 का एग्ज़ाम देने वाले थे, एग्ज़ाम आपका टाइम पे ही होगा, 4 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, बी रेडी बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अपनी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चालू कर दो, आपके पास सिर्फ 1 महीना है, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, नीचे लाल बटन है उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, जिससे कि कोई भी मैं नेक्स्ट डालूंगा वीडियो तो उसके बाद आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि 17 वाला पहले होगा, 18 वाला नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो बी लॉजिकल, आपका एग्जाम 18 वाला ही पहले होगा, ये मैं स्टार्टिंग से कहता आपसे आया हूँ, ठीक है। और कुछ लोग इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे गुस्सा होने वाली बात नहीं है, हमारे हाथ की चीज़ें नहीं है, एसएससी इसको ले रही है, ठीक है। तो ना हम इसको लेट कराते हैं ना हम इसको जल्दी कराते हैं,
हमारा काम है सिर्फ आपको न्यूज़ देना, तो न्यूज़ आपको दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।